डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इथाइलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे आप कहते हो, इसका आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सा होगा बेटा? इथाइलीन होगा। अगर हम बात करेंगे इथाइलीन हार्मोन तो कैसा हार्मोन होता है? गैसियस हार्मोन होगा ये। कैसा होगा? गैसियस हार्मोन। तो एक यही हार्मोन ऐसा है जो कैसा नेचर का है? गैसियस नेचर का है ये। ठीक है, जो गैस की फॉर्म में मिलता है, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे? वॉलेटाइल नेचर कहेंगे। क्या कहेंगे आप? वॉलेटाइल नेचर। आपको पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वॉलेटाइल, जो डिफ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो गैस की फॉर्म में, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? वॉलेटाइल कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं उसे? हम वॉलेटाइल कह रहे हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़, तो इथाइलीन की डिस्कवरी भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, मतलब डिस्कवरी मैंने आपको जितने भी हार्मोन बताया कि अचानक से सारे डिस्कवरी, तो इसकी भी अचानक से डिस्कवरी हुई है। एक कज़न नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे बेटा? कज़न नाम के साइंटिस्ट थे। वो एक ट्रैवल पे जा रहे थे, एक वोवेस, एक यात्रा पर जा रहे थे। तो वहाँ पे वो फ्रूट्स लेके गए। क्या लेके गए वो वहाँ पे? फ्रूट्स लेके गए। तो जो फ्रूट की बास्केट थी, ठीक है, जो फ्रूट की बास्केट थी, उसने क्या रखा? अनराइप बनाना थे उसके पास में। और क्या थे? ऑरेंजेस थे बेटा। और क्या थे? ऑरेंजेस, अनराइप बनाना। और क्या प्रेजेंट थे वहाँ पर? ऑरेंजेस थे। सो ये हमने क्या कहा? यहाँ ऑरेंजेस रख दिया। और ये यहाँ क्या क्या थे बेटा? ये बनानास थे। ठीक है, जिस ये बिल्कुल जो ऑरेंज के पास में बना, उसने दो दिन के बाद जब देखा, जब फ्रूट्स के पास में गया वहाँ पर, जब उसने दो दिन के बाद देखा, जो इसके आसपास जो बनानास थी वो सारी की सारी राइप हो चुकी, और जो थोड़ी बाहर बनाना रह गई थी उसके से यहाँ पे रख दी होगी ज़्यादा सीधी, तो वो क्या थी? राइप नहीं, सेम टाइप पे बनाना खरीदी हुई थी, जो ऑरेंज के साथ में रखी हुई थी वो बनाना तो राइप हो गई थी, और ये राइप नहीं हुई, पकी नहीं। तो उन्होंने कुछ ना कुछ कंक्लूज़न निकाला कि इन ऑरेंजेस से कोई ना कोई चीज़ रिलीज़ हुई है। वॉलेटाइल थी ऐसी, जो गैस की फॉर्म में रिलीज़ हुई है, और उन्होंने इस बनाना को क्या कर दिया? जो उनके आसपास रखी हुई बनाना थी उनको क्या कर दिया? उन्होंने राइप कर दिया। अनराइप मतलब कच्चे बनाना, और ऑरेंजेस उन्होंने रखे हुए थे, पके हुए रखे हुए थे। तो उनके आसपास जितनी भी बनानास थी, ऑरेंजेस की जो टोकरी में रखी हुई थी, वहाँ पर वो सारी बनाना क्या हो गई थी? राइप। लेकिन जो कुछ बाहर बनाना रखी हुई थी, जो बास्केट में नहीं आई थी, वो बनाना राइप नहीं हुई थी। उसने खाली कंक्लूज़न निकाला कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ केमिकल है जो क्या हो रहा है, इन ऑरेंज से रिलीज़ हो रहा है और इन बनाना को पकने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ से कंक्लूज़न निकला। फिर एक आर्गेन के नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे बेटा? आर्गेन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, क्रोमेटोग्राफी। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया बेटा? क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में क्या होती है बेटा? एक स्ट्रिप सी आती है, हम उनका जो पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर हम डाल देते हैं, तो कलर अब्जॉर्ब करते हुए किस तरह से क्या आती है, तो जनरली इस तरह से एक टेक्निक होती है। तो बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, तो उन्होंने क्या कहा? जो इन ऑरेंजेस से एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकला था, वॉलेटाइल सब्सटेंस निकला था, एक्चुअल में और कुछ नहीं, वो क्या निकली थी बेटा? इथाइलीन गैस निकली थी। क्या निकली थी? इथाइलीन गैस। और यही इथाइलीन गैस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। अब वहाँ से पता लगा कि भाई फ्रूट्स पक रहे हैं, तो इन्होंने जब फिर बाद में ऑब्जर्वेशन की कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, क्या उनमें भी जो फ्रूट्स के पकने का रीज़न इथाइलीन गैस है, तो बिल्कुल सही रीज़न निकला कि जो नॉर्मल प्लांट्स होती है उसके अंदर भी एक हार्मोन बनेगा जो गैस की फॉर्म में बनेगा, इथाइलीन हार्मोन, विच इज़ मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बेटा? वो फ्रूट्स के राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो याद रखना इस तरह से क्या हुई इसकी डिस्कवरी हुई, क्या हुई इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इथाइलीन जो होता है, इथाइलीन एक्चुअल में क्या है? इथाइलीन कुछ नहीं है, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज़ हाई इन द प्लांट्स, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर बन जाता है, वो तभी वो ऑक्सीजन हार्मोन किसकी फॉर्मेशन करना शुरू करेगा? इथाइलीन हार्मोन की। यहाँ पर एक ऑक्सीजन हार्मोन जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में जब बन रहा था, वहाँ पर एक मिथियोनिन बनेगा, क्या होता है? एक अमीनो एसिड होगा ये, और ये मिथियोनिन क्या बना देगा? इथाइलीन बना देगा। तो एक्चुअल में इथाइलीन किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन हार्मोन।
ऑक्सिन हार्मोन कंटिन्यू बन रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन का एक रिमेनिंग पार्ट होता है मिथियोनिन, और यही मिथियोनिन क्या बनाएगा, इथाइलिन बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सिन कंसंट्रेशन जब भी ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा हार्मोन बन जाता है, इथाइलिन हार्मोन इज फॉर्म्ड। कौन सा हार्मोन बन जाएगा, इथाइलिन। जैसे इथाइलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बन जाता है, मोर इथाइलिन कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो ऑक्सिन हार्मोन की जो सिंथेसिस है वो अपने आप क्या हो जाती है, रुक जाती है, नहीं बनेगी, इनहिबिट हो जाएगी। क्या होगी बेटा, ये इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ऑक्सिन कंसंट्रेशन हाई इन द प्लांट तो ये स्टिमुलेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन हार्मोन। जैसे इथाइलिन हार्मोन अब बनना शुरू हो गया तो ऑक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इथाइलिन को, अब ध्यान देना, हम इथाइलिन को कैसा हार्मोन कह रहे हैं, प्रोमोटर भी कह रहे हैं, और क्या कहते हैं हम इसे, इनहिबिटर भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, हाँ, इनहिबिटर। हमने प्रोमोटर क्यों कहा है, क्योंकि इथाइलिन और कुछ नहीं, इथाइलिन एक्चुअल में क्या है, ऑक्सिन हार्मोन से बना ही हुआ है। तो इथाइलिन सेम काम कौन कर कैसा करता है, जो ऑक्सिन काम करेगा, इसीलिए ऑक्सिन हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। ऑक्सिन हम क्या कर रहे थे भी, एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इथाइलिन भी क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ऑक्सिन कम हो रहा है तो इथाइलिन अब क्या काम करेगा, एपिकल डोमिनेंस करेगा, क्या काम करेगा, एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सिन हार्मोन क्या कर रहा था, फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा था इन पाइनएप्पल, तो ये भी क्या इंड्यूस करेगा, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है पाइनएप्पल। ऑक्सिन की जगह कौन कर देगा, इथाइलिन कर देगा। ठीक है, एक ये क्या करते, इट ऑल्सो ब्रेक द डॉर्मेंसी, इट ऑल्सो ब्रेक द डॉर्मेंसी, ये सीड डॉर्मेंसी की को भी तोड़ने का काम करता है, लेकिन मेन काम कौन करेगा, जिबरलिन ही करता है, मेन काम जिबरलिन, लेकिन ये भी क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को भी ये तोड़ने का काम करता है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना इसके अंदर, ये तो सारे ऑक्सिन वाले हार्मोन हो गए, इसलिए हम प्रमोटर कह रहे हैं। ऑक्सिन तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कर रहा था, ऑक्सिन प्लांट को बढ़ा रहा था, लेकिन ये क्या काम करता है, इट इनहिबिट द, कौन सी ग्रोथ को तो रोक देता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को रोक देता है, बट प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ट्रांसवर्स ग्रोथ। अब ट्रांसवर्स ग्रोथ पता है ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ना, और ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से, जब आप देखते हो ना प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, तो प्लांट की चौड़ाई, इथाइलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, इथाइलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये याद रखना, क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसवर्स ग्रोथ, इसे हम क्या कहेंगे, आइसोडायमेट्रिक भी कहेंगे। आइसोडायमेट्रिक मतलब डायमीटर चौड़ा करेगा, क्या करेगा, डायमीटर चौड़ा करेगा, इसलिए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रमोटर कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं इसको, हम प्रमोटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे, हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एपिकल डोमिनेंस, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ब्रेक द सीड डोरमेंसी, बट कभी भी आएगा तो मेन हमारा जिबरलिन होगा, बट ये भी काम करता है। और कौन सी ग्रोथ को रोकेगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को रोक देगा, क्योंकि ऑक्सिन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब ऑक्सिन की जगह क्या आ चुका है, इथाइलिन आ चुका है, तब ये क्या करेगा, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा, ट्रांसवर्स ग्रोथ करेगा, आइसोडायमेट्रिक। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन इथाइलिन का हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, इथाइलिन का हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इथाइलिन। अब इथाइलिन में फ्रूट राइपनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में और बताती हूँ, ठीक है। तो हमने पहले रोल पढ़ लिए, एपिकल डोमिनेंस, सबको बताया कि एपिकल बर्ड जर्मिनेट करेगी, ठीक है, लेटरल बर्ड ग्रो नहीं करेगी, पर हमने बात की थी भाई लेटरल बर्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा होगा, साइटोकाइनिन होगा। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, जो ऑक्सिन की जगह, ऑक्सिन के जो रोल थे मोस्टली वो कौन करेगा, इथाइलिन, बस खाली क्या नहीं करेगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ नहीं करेगा, ट्रांसवर्स ग्रोथ करेगा, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम कौन करेगा, फ्रूट राइपनिंग करेगा। इनहिबिटर हमने इसे क्यों कहा, बिकॉज इट ऑल्सो प्रमोट द, ये क्या प्रमोट करता है, एब्सिसन भी प्रमोट करता है। जैसे एब्सिसिक एसिड है, मतलब ये तोड़ने के लिए, लीफ की तोड़ने के लिए, इनके लिए भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा ये क्या भी प्रमोट करता है, प्रमोट द सेनिस्केंस, सेनिस्केंस पता है ना क्या होता है, एजिंग इन प्लांट्स बिफोर डेथ,
एजिंग मतलब जो स्टेज आती है इन प्लांट बिफोर द डेथ, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? सेनिस्केन। इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया? इनहिबिटर दिया। और ये हमारे पास क्या हो गया? प्रोमोटर। क्या हो गया हमारे पास? प्रोमोटर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ाई? थायलिन हार्मोन। आपको ये याद रखना है। हालांकि आपका मेन क्वेश्चन यही आएगा फ्रूट राइपनिंग, या फिर भी पूछ लें ट्रांसवर्स ग्रोथ के लिए, तो आपका हमेशा याद रखना है थायलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बाकी सारे किसके काम कर रहा है? ऑक्सिन के काम कर रहा है। अब तुम्हारा एक जनरल आता है जैसे कि फ्रूट राइपनिंग है क्या भाई? फ्रूट राइपन कैसे होगा? फ्रूट राइपनिंग ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, सिलेबस के अंदर हालांकि नहीं है, हम डेली रूटीन के अंदर फ्रूट पक रहे हैं हमारे पास में। हम कभी फ्रूट की टोकरी बास्केट ले आते, जैसे कि इन गर्मियों के दिनों में हमने एक आम की पूरी हमने क्या ले आए हैं कि टोकरी ले आए हैं, बास्केट ले आए हैं। उसके नीचे आप कभी भी देखना, आपको एक इस तरह से प्लास्टिक के उसके अंदर पेपर के अंदर आपको एक केमिकल होगा, और उसके अगर आप ध्यान दोगे तो उसके ऊपर इथेपोन लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? क्या लिखा मिलता है इसके ऊपर? नीचे इथोफीन लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? इथोफीन लिखा मिलता है। इथोफीन कुछ नहीं है, क्या होता है इसके अंदर? इथाइलीन है। गैस की फॉर्म में है वो, लेकिन इसके बाद क्लोरो इथाइलीन होता है, जो क्या करता है? एक वॉलेटाइल सब्सटेंस बना देगा इसे, वो उसके अंदर केमिकल की फॉर्म में हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में, धीरे धीरे वहाँ से इथाइलीन गैस क्या होती है? रिलीज होती रहेगी। ठीक है, तो इथोफीन वो एक छोटी सी पाउच सा आता है, उस पाउच के अंदर आप देखना कभी कभी वाइट वाइट चीज़ की चीज़ मिलती है, एक्चुअली वो क्या होगा? इथोफीन, और उसके अंदर क्या होगा? इथाइलीन होता है, जो किसके साथ रिएक्शन करवा के बनाया होता है? क्लोरीन के साथ में, और एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में बन जाता है, और वहाँ से धीरे धीरे क्या होगा? इथाइलीन। और बास्केट में हमेशा नीचे की तरफ होता है, क्या होता है? ऊपर कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे की नहीं तरफ रखेंगे। जैसे नीचे वाले फ्रूट राइप होना शुरू होगी, यहाँ से इथाइलीन गैस रिलीज़ होगी। इथाइलीन गैस रिलीज़ होने के कारण क्या होगा बेटा? उसके अंदर वो फ्रूट नीचे वाले पक जाएंगे। जैसे नीचे वाले फ्रूट पक जाएंगे, तो अब वो फ्रूट ही क्या करेंगे? इथाइलीन गैस को रिलीज़ होते रहेंगे, और अपर तक के फ्रूट क्या होते हैं? पकने शुरू हो जाते हैं। या कभी भी बास्केट के अंदर से कि हमें ट्रांसपोर्ट करना है नेचुरल, तो हम क्या करते हैं? हमेशा बास्केट में नीचे की तरफ हमेशा पके हुए फ्रूट्स रखेंगे। ठीक है, और ऊपर हमेशा क्या रखेंगे? अनराइप, ताकि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे सारे फ्रूट हमारे ख़राब ना हो। कभी भी पके हुए फ्रूट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, हमेशा अनराइप फ्रूट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। या तो ये इथोफीन रख देते हैं, या क्या रखते हैं बेटा इसके नीचे? पके हुए फ्रूट, जैसे कम डिस्टेंस है तो क्या रखेंगे? पके हुए फ्रूट्स रख देंगे। अभी पके हुए फ्रूट्स और हर एक के बीच में ये क्या होती है? पार्टीशन, गत्ती लगा देते हैं। यहाँ से इथाइलीन गैस रिलीज़ की, तो ये वाले फ्रूट्स की लेयर पक जाएगी। अब जैसे ही हो गया, तो इन्होंने इथाइलीन गैस रिलीज़ की, ये वाले फ्रूट पक गए, और इस तरह से तो ये क्या होंगे? धीरे धीरे फ्रूट्स पकते रहेंगे। अगर सारे फ्रूट पक जाएंगे तो इनके अंदर इथाइलीन इतनी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है, और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो सारे फ्रूट्स गलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कभी भी देख लेना, अगर आप कोई बास्केट लेके आते हो, जैसे आम की टोकरी लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं आपको गैप मिलेगा छोटा सा, प्रॉपर बाइंड नहीं होती, बिल्कुल पैक नहीं होती। वो इसीलिए नहीं होती, अगर इथाइलीन गैस ज़्यादा ही अंदर अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो फ्रूट्स को गला देगी सारा का सारा। ठीक है बेटा, अब ये फ्रूट राइपनिंग इथाइलीन ने किया किस तरह से? अब ये तो हमें पता लग गया कि इथाइलीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग। इथाइलीन करती क्या है? रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है बेटा? इट इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट इन द फ्रूट्स। रेस्पिरेशन रेट जैसे इंक्रीज हो जाता है, तो वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्रूट के राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या होगा बेटा? फ्रूट के राइपनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो याद रखना, इथाइलीन किस तरह से करेगा? इट इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी? फ्रूट राइपनिंग। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? इथाइलीन हार्मोन। तो इथाइलीन हमने क्या कहा बेटा? एक गैसेस फॉर्म में होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ते हो, तो सेम वही फॉर्मूला हो गया। वॉलेटाइल नेचर का होता है, इसकी डिस्कवरी हमने क्या की? अचानक से हुई है। अगर वो फ्रूट ना रखता तो क्या पता शायद ना भी करते। ठीक है, तो हमने पता धीरे धीरे लगाते, तो इस तरह से हुई है। अनराइप फ्रूट्स के साथ में राइप फ्रूट रखे गए थे,
और ड्राई फ्रूट से के बाद थोड़ी देर देखा, एक दिन के बाद देखा तो उन्होंने क्या कि बनाना भी क्या थे पक चुके थे, लेकिन जो बाहर वाले बनाना नहीं पके थे वहीं से इन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ऐसी रिलीज़ हुई है ऑरेंजेस से जो बनाना के अंदर गए और इसको राइप किया है। तो आरगेन ने इसको निकाला क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से कि वोलेटाइल सब्सटेंस कुछ नहीं था, वो क्या थी बेटा एक इथाइलिन गैस थी जो फ्रूट को राइपनिंग के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इथाइलिन मेनली कहाँ पे बनेगा, ऑक्सिन हार्मोन से बनता है, जब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका ऑक्सिन का एक रिमेनिंग पार्ट होगा मिथियोनिन, वो क्या बना देता है इथाइलिन हार्मोन बना देता है। जैसे इथाइलिन हार्मोन अब बनना शुरू हो जाएगा तो ऑक्सिन कंसंट्रेशन अपने आप धीरे धीरे कम और एकदम से बंद हो जाती है। तो इथाइलिन को हम प्रोमोटर भी कह रहे हैं और इनहिबिटर भी कह रहे हैं। प्रोमोटर एपिकल डोमिनेंस कर रहा है, फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सीड डोरमेंसी को भी तोड़ता है, बट ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को तो इनहिबिट करता है। और कौन सी ग्रोथ को करेगा, प्रोमोटर ट्रांसवर्स चौड़ाई बढ़ना प्लांट की, इसके लिए इथाइलिन की है। और मेन काम क्या कर रहा है, फ्रूट राइपनिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और इनहिबिटर हम क्या कह रहे हैं, प्रमोटर द एब्सिशन को प्रमोट करता है और क्या प्रमोट करेगा बेटा, ये सेनेस्केंस को, ठीक है। आगे बात समझने, इथाइलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कहाँ कहाँ प्रेजेंट मिलेगा, ये मतलब लीफ में भी मिलता है, ठीक है, ये स्टेम में भी मिलता है, ये रूट्स के अंदर भी, हर पार्ट्स के अंदर क्या है ये मिलता है। और ज़्यादा किसके अंदर होगा, फ्रूट्स के अंदर, किसके अंदर होगा, फ्रूट्स के अंदर होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हार्मोन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हम लास्ट में एक आपको रिवीजन करवाएंगे हार्मोन्स का, ठीक है, तो वहाँ आपको मैं डिफरेंस के साथ में करवाऊँगी। ओके।